Hey, welcome to my channel. So, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप घर पर इजिली अपने हेयर कट कैसे कर सकते हैं, वो भी लेयर हेयर स्टाइल में। काफ़ी अच्छी हेयर स्टाइल लगती है और लुक बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसका। मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है। ड्यू टू वायरस हम बाहर नहीं जा सकते, पार्लर नहीं जा सकते, क्योंकि सेफ नहीं है। आप घर पर इजिली कर सकते हो। वीडियो में एंड तक बने रहना। पसंद आए, यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और रिजल्ट आप देखना ज़रूर, एंड तक लाइव रिजल्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने हेयर्स वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको टाल की हेल्प से इसको ड्राई कर लेना है। आपको आपका पानी सुखा लेना है बस, पर बाल गीले होना चाहिए और क्लीन होने चाहिए आपके बाल। उसके बाद आपको जैसे हम पीछे पोनी टेल करते हैं, आपको वैसी सेम आगे पोनी टेल करनी है, जिससे कि हमारी हेयर स्टाइल कुछ इसी तरीके से क्रिएट होने वाली है। सबसे पहले आपको रबन लगाना है, जैसे हम पीछे पोनी टेल करते हैं सेम आपको वैसी आगे बना लेनी है, अपनी एक पोनी बना लेनी है। मैंने यहाँ पर अपनी एक छोटी कर ली है। उसको अच्छी तरीके से मेक श्योर कि बाल में एक भी उलझन ना हो, अच्छी तरीके से कॉम करते जाओ और उलझन ना हो बाल में। अब आपको यहाँ पे इस स्टेप में आपको अपना लेंथ मेजर करनी है कि आपको अपनी लेंथ कितनी रखनी है, कितनी कम करनी है। ओके, उस हिसाब से आप अपने हेयर्स पे अपनी रबर बैंड लगाते जाओ। मैं यहाँ पे चार रबर बैंड लगाऊंगी, तीन चार रबर बैंड लगाऊंगी। सबसे पहले आपने एक रबर बैंड लगाई जहाँ पे आपने चोटी की, उसके बाद आपको अगेन नीचे एक और रबर बैंड लगानी है क्योंकि हमको लेंथ मेजर करनी है। अगेन मैं एक और रबर बैंड लगा रही हूँ क्योंकि इतनी छोटी लेंथ तो मुझे करनी नहीं है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से रखना। अगर आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं, मेरे तो छोटे थे, आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं तो आप ज़्यादा हेयर बैंड्स मतलब हेयर क्लिप्स लगा लो, रबर्स लगा लो आप। उसके बाद मुझे इतनी लेंथ रखनी है, जो कि नीचे के थोड़े ख़राब हो गए हैं बाल, उनको मुझे कट करना है और लेंथ अपनी छोटी करनी है और हेयर स्टाइल अगेन अच्छे तरीके से क्रिएट करनी है घर पर। तो मैं यहाँ पे जो लास्ट रबर बैंड लगा रही हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि मुझे इतना कट करना है। आप अपने तरीके से कर लो कि आपको कितनी लेंथ कम करनी है। मुझे लग रहा था बहुत डर, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट ट्राई था और बहुत ही अच्छा गया, मतलब मैं नहीं बता सकती आप, बहुत अच्छा गया। आप एंड तक वीडियो में बने रहना। उसके बाद अब आपको जहाँ रबर बैंड लगाई है, मेक श्योर डेट नीचे कट नहीं करना है रबर बैंड के, रबर बैंड के ऊपर आपको कट करना है, ऊपर वाले हेयर्स कट करना है। रबर बैंड लगे रहने देना वरना बाल पूरे बिखर जाएंगे अगर आप नीचे से कट करोगे तो। ओके, अब हमारी इतनी लेंथ कम हो गई है, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था बट कोई बात नहीं, अच्छे आएंगे। बाल कटते रहते हैं ना तो बाल बढ़ते हैं जल्दी। ओके, अब यहाँ पे सीज़र ले लो आप। मेक श्योर डेट सीज़र भी बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए, सीज़र ऐसी होनी चाहिए जो एक बार में कट जाए, ख़राब वाली ना हो, क्योंकि 10 बार चलाना पड़े तो बाल ख़राब हो जाते हैं उससे। अब आपको अपने बालों को एकदम इक्वल करना है, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है ना, पार्लर वाले कितनी जल्दी जल्दी कर देते हैं सैलॉन वाले, पर हमको तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम क्योंकि प्रोफेशनल नहीं हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टिल आपको एकदम मैच टू मैच करना है, इक्वल करना है अपने बालों को। मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से अपने बालों को इक्वल करके कट कर रही हूँ, एकदम इक्वली हो जाएंगे हमारे बाल। उसके बाद अब हम अपनी रबर बैंड ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे हो गए यहाँ पे फाइनल स्टेप हमारा। अब हम अपने बाल देखेंगे कि किस स्टाइल में है। उसके बाद हमको थोड़ा सा एक और लास्ट दो स्टेप लगते हैं बस इसको करने में, काफ़ी जल्दी हो जाता है, मुझे 10 मिनट लगे तो मुश्किल से बस। मैंने यहाँ पे अपनी पूरी हेयर्स ओपन कर लिए हैं, अब अच्छी तरीके से कॉम कर लेंगे इसको। बहुत डर लग रहा था कि कैसा फाइनल लुक निकल के आता है, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम था, पहले तो अपने फ्रेंड के बालों पे ट्राई करके रख चुका है पर अपने बालों पे पहला बार था, और देख सकते हो आप एकदम इक्वली लुक आया था। मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फर्स्ट ट्राई था और बहुत अच्छा गया खुद के ऊपर। अब मैं यहाँ पे चार पोनी टेल करूँगी। ओके, यहाँ पे मेरा हो गया, मेरा बहुत अच्छा कट निकल के आया है, मुझे इससे भरोसा हो गया कि बाल अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये मेन स्टेप होता है आपकी लेंथ जो होती है वो। उसके बाद अब मैं यहाँ पे चार पोनी टेल कर रही हूँ, ज़्यादा ऊपर मत करो, नीचे ही नीचे करो, क्योंकि हमको हल्के हल्के बाल कट करने हैं। ओके, सेम ऐसे ही आप चारों तरफ कर लो। मैं रबर बैंड थोड़ा ऊपर लग गया था, उसको नीचे लेके आ रही थी एकदम कॉर्नर पे, जहाँ पे हमको हमारे बाल कट करने थे, सेट करने थे, डिज़ाइन देना था अपने बालों को वहाँ पर। अब सेम ऐसे ही मैं पोनीटेल कर लूँगी चारों साइड। आप अपने बालों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पोर्शन में लेके भी कर सकते हैं, 5 से 6 पोनीटेल बना लो, इक्वल पोर्शन में कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे 4 से 4 5 4 ही बनाई थी पोनी, जिससे कि मेरे बाल ज़्यादा मोटे हैं नहीं, क्योंकि पतले से बाल हैं बहुत,
आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, अपने मतलब बालों की हेल्थ के अकॉर्डिंग बना लो अपनी पोनी टेल। यहाँ पे मैंने 4 पोनी टेल बना ली है, रबर बैंड लगा रही हूँ नीचे नीचे अच्छी तरीके से, आप भी लगा लो सेम ऐसी इसी तरीके से। बिलीव मी यार, बहुत अच्छा कट निकल के आएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पे हम पार्लर नहीं जा सकते तो जाओ पार्लर भैया, सेफ़ नहीं है मत जाओ, मैं तो यही बोलूँगी सेफ़ नहीं है मत जाओ। मैं तो नहीं गई, मैंने घर पे ही ट्राई कर लिया खुद ही अपने हाथों से। काफ़ी डर लग रहा था बट बहुत अच्छा जो फाइनल आउटकम आया था ना, मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे डबल खुशी इस बात की हुई कि मेरा फर्स्ट ट्राई था और मैंने एक कैमरा ऑन कर लिया था कि जो भी होगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, अच्छा आया चाहे बुरा है बट स्टिल बहुत अच्छा आया, मुझे ये देख के खुशी हुई। यहाँ पे मैंने अपनी चारों पोनी टेल कर ली हैं, अब इसको हम कट करेंगे। आप अपना नीचे का पोर्शन ले लो, उसके बाद आप सीजर से कुछ इस तरीके से कट करना। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है मेजर करना नहीं है, एक सा कट नहीं करना, आपको ऐसा रफली कट मारना है सीधा सीधा बालों पे, जिससे कि हमारे जो दो मुँह बाल होते हैं वो निकल जाते हैं और जो स्टेप आता है ना जब जो हमारे बालों को ऐसा बाउंसी लुक देता है, आपने जो स्टार्टिंग में पिक्चर्स में देखा वो इसी से आता है। आपको बस इस तरीके से अपने बालों को रफली कट कर लेना है फटफट करके अपने हेयर्स को जो, और ज़्यादा बाल आपके वेस्ट नहीं होंगे। मैं आपको एंड में क्लिप ऐड करूँगी कि मेरे कितने बाल वेस्ट हो गए, मतलब कितने बाल मेरे कट गए हैं, ख़राब कर दिया मैंने, ख़राब नहीं मतलब ख़राब बालों को निकाल दिया है। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से कट मारूंगी, रफली मारना है आपको, कुछ भी मेजरमेंट नहीं करनी। अगर आपने वैसा किया कि सीधा सीधा तो भाई पूरा हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगी आपकी। ओके, अब ये था मेरा लास्ट पोनी टेल, इस पर भी मैं इसी तरीके से कट मार रही हूँ ऊपर नीचे जिससे कि रफली वाला लुक आ जाए। तो यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल कम्प्लीट होती है या हेयर कट कम्प्लीट होता है। अब मेरे को फाइनली मैं अपना हेयर खोलूंगी और मुझे आउटकम दिखेगा। भगवान से मैं प्रे कर रही थी फिंगर क्रॉस करके कि यार अच्छा हुआ वो लुक। डर लगता है ना यार, बाल हैं अपने ख़राब हो जाएंगे तो पूरा लुक ख़राब हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे क्या किया है। बट मुझे खुशी इस बात की हो रही थी क्योंकि डिज़ाइन आ रही थी, पहले वाला स्टेप मेरा एकदम सही हुआ था तो आखिरी सेकेंड स्टेप भी अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे हेयर कट कम्प्लीट होते हैं फाइनली और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत अच्छा था, बहुत ही इजी स्टेप्स थे। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर आपको भी ये वाली लेयर हेयर कट करना है। बाज़ार में जहाँ जाती हूँ 350 रुपये लगते हैं मेरे हेयर कट के, 350 रुपये पार्लर में जाती हूँ यहाँ पे 350 रुपये मेरे हेयर कट के लगते हैं। बट आज जो मैंने काटा 1 रुपये नहीं लगा यार, मुझे हुई इस बात की बहुत खुशी हुई और सेफ था घर पे। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, जैसा आपने पीछे देखा फोटो में सेम उसी तरीके का फोटो मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा रही हूँ अभी, आपको ये जो दिख रही है आपको फोटो कॉर्नर पे, सेम उसी तरीके का लुक है। लेंथ देखो इतनी थी इतनी ही है, कम नहीं हुई, हल्की सी कम हुई है जो कि ज़रूरी थी। और यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल कम्प्लीट होता है। ये मेरे कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स थे जो मैंने अपने बालों से निकाल दिए गंदे वाले, ये पोनी टेल थी, सिर्फ इतनी लेंथ कम हुई है मेरी, ज़्यादा लेंथ कम नहीं हुई है और बाल भी ख़राब नहीं हुए। अब आप इसको उठाओ और फेंक दो। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आउटकम है। वीडियो हेल्पफुल लगाओ यूजफुल लगाओ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बताना ज़रूर कि आपको ये वाला ट्राई मेरा कैसे लगा और मेरी हेयर स्टाइल कैसी लगती है।